ये सब क्या बेहूदगी है? मैं अभी भी तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। अगर जीजी जिंदगी में ना भी होती मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाता। ऐसे मुश्किल समय पर वो तुम्हारी मदद कैसे करेगी? खाना बनाकर या फिर तुम्हारी सेवा करके? ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर वांग से मिलना है। मिस्टर वांग यहाँ नहीं है। एलेक्स ने अपनी पत्नी की याद में मैरी मी बनाया था। हमने जो अपने रिश्ते को लेकर झूठ कहा था शायद उसके लिए वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। जब ये गलती हम दोनों ने मिलकर की है तो इसे सुधारना भी हम दोनों को मिलकर पड़ेगा। टिकट खरीद लो। तुमने प्लान करके रखा था? मैं हूं ना काफी समझदार। समझदार इतनी समझदार कि तुम्हें एक इनाम मिलना चाहिए। ये गलत है। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़कर जाने की बात तुम अपने सपने में भी मत सोचना। नहीं नहीं कभी नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दो यिनसिचन। आज तो तुम्हें माफी मिलने से रही। जीजी, आज रात में तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा से डरती थोड़ी रहूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से सारे स्टॉक्स गिर गए, मेरे सारे पैसे चले गए, मेरी बीवी छोड़ के चली गई। एलेक्स का कोई रिप्लाई आया? वो कह रहे हैं कि एलेक्स ज्वेलरी शो को लेकर बिजी हैं। रिप्लाई पाना मुश्किल है। उन्होंने हमारा मेल तो रिसीव किया था ना? उन्होंने कहा कि उनके पास मेल करने तक का भी समय नहीं है। तो वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं। मैं उनके संपर्क में रहूंगा और आपको अपडेट देता रहूंगा। ठीक। दादी, जी जी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। लेकिन दादी आज तो बड़ी धूप है। ये बारिश के लिए नहीं बल्कि खतरे से बचाने के लिए है। ये देखो, इस तरह से ये अच्छा आइडिया नहीं है। जी जी, तुम अपने पास ये रखो, आगे से अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे तुम इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मॉम बिल्कुल सही कह रही है, जब मैं ना रहूं तुम्हारे पास कुछ तो रहे। अरे स्टोर जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहो। तुम तो ऑनलाइन भी काम कर सकती हो, है ना? मेरी एक दोस्त ई कॉमर्स के क्षेत्र में वेल प्लेस्ड है, मैं अभी उससे बात करती हूँ। मॉम फिक्र मत कीजिए, जब हमने ये तय किया है कि सीसी वाई मॉल में प्लेस्ड होगी तो ऐसा ही होगा। अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। तुम्हें जैसे आगे बढ़ना है तुम बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यिनसिचन, थैंक्स। अब ऐसी नौबत आ गई है कि तुम मुझे थैंक्स कहोगी। तो अब मैं क्या करूँ? दादी माँ और मॉम को भी पता है और तुम्हें नहीं पता। अपनी आंखें बंद करो। समझी? समझ गई। अभी तक तुम कुछ नहीं समझी, मैं तुम्हें समझा देता हूँ।
अरे मैं सच में समझ गई। लेकिन सच कहूं तो मुझे तुम्हें जाने देने का मन नहीं है। अब चलो भी। ये सब क्या बेहूदगी है? ये सारी तस्वीरें कितनी खूबसूरत है, जरा देखो इस तस्वीर को। इस तस्वीर में कितना प्यार छुपा है। डेविल कपल, स्टॉक किलर्स। तुम्हें मजा आ रहा है? कहो तो इसे ले जाकर घर पर टांग दूं। तुमने एक अच्छी बात याद दिलाई। इस तस्वीर को हम सजा कर रखेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी नेगेटिव फोटोज घर पर नहीं रखना चाहती। कितना अजीब है। ये सचिन, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं मैनेज कर लूंगी। स्टोर में ही रहना और बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। फेई यांग तुम्हारा खाना लेकर आएगा और घर लौटते वक्त मैं पिकअप करूंगा। और हर आधे घंटे में तुम मुझे अपना अपडेट दोगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी कमजोर हूँ? मिस्टर यिन, ऑफिस में बहुत काम है। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो मुझे कॉल करना। तुम बहुत बातें करने लगे हो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। मेरे अंदर ये जो भी बदलाव आए हैं उसकी वजह तुम ही तो हो। और इसके लिए मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यहाँ पर किसी को कोई काम नहीं है क्या? मैम, क्या आपने आज की न्यूज देखी? मिस्टर यिन को सस्पेंड कर दिया गया है। इस केस के सारे डिसीजन अब शेयर होल्डर्स की मीटिंग में लिया जाएगा। मिस्टर यिन ने वाई मॉल को खड़ा किया है, वो ऐसे वहाँ से निकल तो नहीं सकते। वाई मॉल के बोर्ड में 5 डायरेक्टर्स हैं। जब तक 3 डायरेक्टर सहमत नहीं होते तब तक कुछ नहीं होगा। ये सब उस लड़की की गलती है, मिस्टर यिन को बर्बाद कर दिया। ये उसे तब सोचना चाहिए था जब उसने उस लड़की को चूज किया था। वैसे मिसेस चेन का वो कस्टमाइज्ड ड्रेस तैयार है ना? लगभग कल तक कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, मिसेस चेन के पति वाई मॉल के 5 डायरेक्टर में से एक है ना? मैम, क्या आप मिस्टर यिन को दोबारा मदद करना चाहती है? अपना काम करो तुम। जी मैम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मुझे ये फाइल दिया गया है, इसमें कुछ शर्तें लिखी हुई है। मिस्टर शेंग आपके साथ नहीं है, वो मीडिया को हैंडल कर रहा है। अगली मीटिंग होने तक हमारे पास सिर्फ 15 दिनों का वक्त है और उसके अंदर हमें 3 डायरेक्टर्स का साइन चाहिए। डायरेक्टर यांग से एक मिल जाएगी, वो वाई मॉल के पहले शेयर होल्डर है। पिछली बार की मीटिंग में उन्होंने नेगेटिव कुछ नहीं कहा था और देखा जाए तो ये मुमकिन है। डायरेक्टर चेन, वो मेरे अलावा वाई मॉल के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और डायरेक्टर सन भी उनके काफी करीब हैं। शायद उनका भी समर्थन मिल जाए, लेकिन पहले मुझे डायरेक्टर चेन को राजी करवाना होगा। कुछ ही दिनों में डायरेक्टर चेन की पत्नी का जन्मदिन है, एक अच्छे से तोहफे के साथ उनसे जाकर बात कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्योंकि अब मैं ऑफिस नहीं जा सकता, तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा। श्योर, तो मैं ऑफिस चलता हूँ सर। अब हम एलेक्स के साथ मेल के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास मेल करने तक का भी समय नहीं है।
उनका इंटेंशन समझ में आ रहा है। मैं उनके संपर्क में रहूंगा और आपको अपडेट देता रहूंगा। अच्छा फियांग, तुम हो? सचिन नहीं आया? वो एक जरूरी मीटिंग के लिए गए हैं और मुझसे कहा है कि यहाँ आकर आपका ध्यान रखूं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं, बस एक कॉल करना है आपको। ये सचिन कैसा है, क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकती हूँ? आप उनको लेकर फिक्र ना करें, शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग है उनका, वो जरूर कामयाब होंगे। लंच बहुत ही टेस्टी था और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। अरे मिस्टर येन, जब आए हैं तो एक गोल्फ का गेम हो जाए। मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया हूँ, दरअसल उस मीटिंग के बारे में। एक्सक्यूज मी मिस्टर येन, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं आपसे इस बारे में किसी और वक्त बात करूंगा, ठीक है? हेलो फे यांग, पता लगाओ कि डायरेक्टर यांग किससे मिले थे, उनका बर्ताव मुझे। अब जाके रेस्ट कीजिए। हाय शिचिन। अच्छा सुनो, एक मिनट रुको, अब ये मत कहना कि तुम यहाँ डायरेक्टर यांग से मिलने आई थी। डायरेक्टर यांग पापा के करीबी दोस्त हैं, वो दोनों यहाँ पर गोल्फ मैच खेलने आए थे तो देखने आ गई, सोचा नहीं था तुम मिल जाओगे। अरे हाँ, मिसेस चैन ने मुझे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है, मैं जा रही हूँ। तुम्हें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम एम्बैरस ना हो जाओ। जो कहना है साफ साफ कहो। मैं अभी भी तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ, अगर तुम जीशी को छोड़ दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा पोजीशन वापस पाने में मदद करूंगी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, अगर जीशी जिंदगी में ना भी होती मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी वैसे नहीं देखा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती, ऐसे मुश्किल समय पर वो तुम्हारी मदद कैसे करेगी, खाना बनाकर या फिर तुम्हारी सेवा करके? ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? दरअसल तुम्हें पता नहीं है कि प्यार कोई सौदा नहीं होता कि जिसमें मुनाफा या फिर नुकसान निकाला जाए। अगर उसके साथ रहते हुए मुझे कभी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो मैं वो खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूं, ये कोई त्याग या फिर कोई दिखावा नहीं है। मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, कुछ भी हो जाए। एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर वांग से मिलना है। मिस्टर वांग यहाँ नहीं है। वो वापस कब आएंगे? मुझे ठीक से नहीं पता है। ठीक, जीजी, आज रात में तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा से डरती थोड़ी रहूंगी, तुम घर जाओ। लेकिन मैंने कहा ना घर जाओ, अपनी आंखें देखो, तुम्हें आराम की जरूरत है। सी यू देन, घर जाकर मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं ध्यान रखूंगी, तुम भी अपना ध्यान अपना रखना। ध्यान रखना। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से सारे स्टॉक्स गिर गए, मेरे सारे पैसे चले गए, मेरी बीवी छोड़ के चली गई।
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। कभी नहीं मिल पाऊंगी। तुम पागल हो क्या? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम मुझे हमेशा देख पाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना? क्यों डर रही हो? मैं जब आ गया हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम अभी तक काम कर रहे हो? तुम जाग गई? बुरा सपना देखा? हाँ, मैंने देखा कि तुम पूरी रात काम करके बीमार पड़ गए। तुम्हारी ये नजाकत, ऐसे मेरा ध्यान रखना, दरअसल मुझे कभी भी कुछ भी नहीं होने देखा। तो फिर ठीक है, लेकिन मुझे भी ऐसे ही तुम्हारा ध्यान रखना है। सिंपल है, मेरी बात मानो और मन लगाकर काम करो और मुझसे हमेशा ढेर सारा प्यार करो। अच्छा, तुमने कहा कि तुम मेरा जिंदगी भर बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी। मैं अपना ख्याल रखकर वक्त बर्बाद क्यों करूं? तुम हो ना मेरे लिए। तुम तो हो ना मेरे लिए, मैं फिक्र क्यों करूं? फिर कभी। दरअसल मेरी किस्मत ही खराब है। डायरेक्टर चैन क्या वाइमॉल के शेयर होल्डर है? हाँ, और कल मिसेस चैन का बर्थडे है, मुझे घर आने में जरा देर हो जाएगी। जोया, तुम तो एक मॉडल हो ना, और तुम्हारी अच्छी दोस्त भी। क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है? क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें पैसे देने हैं? क्या तुम इसे जानती हो? ये तो लिंडा है। हाँ, मैं जानती हूँ इसे, मेरी सीनियर थी, वन ऑफ द फर्स्ट फैशन आइकन्स। और एक दिन अचानक इसने एक अमीर जादे से बड़े धूमधाम से शादी कर ली। अब शायद लोग इसकी आइडेंटिटी भूल चुके हैं, वो अब मिसेस चैन बन गई है। क्यों पूछ रही हो? क्या तुम इन्हें अच्छी तरह जानती हो? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम इन्हें डिनर पर इनवाइट कर सकते हैं? अचानक तुम्हारे दिमाग में ये सब ख्याल कहाँ से आ गया? तुम शायद पागल हो गई हो। सुनने में आया है शादी के बाद उसका रेपुटेशन बहुत खराब हो गया है। क्यों? शायद उसके शादी करने के बाद ही एक पार्टी में उसका बहुत ही गंदा झगड़ा हुआ था, और उसी पार्टी में किसी दूसरी औरत के साथ उसने बहुत ही गंदा बर्ताव किया था। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। वैसे भी उसका पति बहुत ही ओपन माइंडेड है, वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। मुझे देखकर जलन होती है। इसका मतलब मिस्टर चैन से नजदीकी बढ़ानी हो तो लिंडा के करीब जाना होगा। सचिन, तुम यहाँ कैसे?
डायरेक्टर चैन फैमिली की बहुत कदर करते हैं, इसलिए तुम मुझे लिए बिना नहीं जा सकते। लेकिन बहुत स्मार्ट हूँ, देखना मैं वहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। यकीन मानो मैं एक्टिंग करने में बहुत माहिर हूँ। चले हेलो मिस्टर चैन। मिस्टर येन, आप अच्छे दिख रहे हैं, अपना ही घर समझे। बहुत ही अच्छा लगा आप आए हैं। ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। आप सब ठीक है? हाँ, आप? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ एक्सक्यूज मी, मैं कल आपके ऑफिस गया था मगर आप वहां नहीं थे। दरअसल उस मीटिंग के बारे में आपसे कुछ बात थी। सुचेन, पार्टी के माहौल में ऐसे काम डिस्कस करना अच्छा नहीं होता। माफ कीजिएगा, मैं अभी आती हूँ। उम्मीद है हम एक साथ अच्छा काम कर पाएंगे। बहुत दिनों से इंतजार कर। हेलो लिंडा। जीजी, तुम आ गए, मैं बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आपका बर्थडे मैं कैसे भूल सकती हूँ। अच्छा, तो मिसेस चेन आप उसको जानती हैं? हाँ जरूर, पहली मुलाकात के बाद ही हम दोनों दोस्त बन गए। तुम्हारे पति कहाँ है? मैं उस खुश नसीब से मिलना चाहती हूँ जिसने तुम्हें पत्नी के रूप में पाया है। आइए मेरे हस्बैंड से मिलवाती हूँ। बिल्कुल। येन सचिन, इनसे मिलो, मेरी फ्रेंड लिंडा, ये मेरे हस्बैंड येन सचिन। हैप्पी बर्थडे। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? सच में इत्तेफाक है, मैं तुम्हें अपने पति से मिलाती हूँ। हनी, हाँ। और तुम्हें मिलाती हूँ, ये है मिसेस येन, वाई मॉल के प्रेसिडेंट की पत्नी। पहली मुलाकात में ही हमारी गहरी दोस्ती हो गई। अच्छा, सच में? तुम्हारा भी तो वाई मॉल में शेयर्स है ना? डार्लिंग, तुम कह रहे थे ना डायरेक्टर चैन से तुम्हें कुछ बात करनी है, क्या हम तुम दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हैं? ओ, काम की बातें, अगर आप दोनों चाहे तो बात कर सकते हैं। एक बर्थडे पार्टी है, यहाँ काम डिस्कस करना अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। जाओ जाओ जाओ। तो फिर चलिए मिस्टर यिन। तुमने मिसेस चेन के साथ दोस्ती कैसे की? मैंने इनकी मदद की थी। लिंडा, ज़ोआ, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। यकीन नहीं आता उस औरत ने बिल्कुल मेरी जैसी ड्रेस पहनी है। मैंने जो फोटो ऑनलाइन पोस्ट किया था, इसने ये ड्रेस का आइडिया वहीं से चुराया है। मक्कार औरत कहीं की। लेकिन ये ड्रेस सबसे ज्यादा तुम पर सूट करती है। हेलो लिंडा, मैं गोजीजी हूँ। ओह, यही है सीसी की डिजाइनर जिनके कपड़े आपको बहुत पसंद है। ओह, तो वो तुम ही हो। लिंडा, अगर इस ड्रेस में कुछ चेंजेस कर दिए जाए तो ये बहुत अच्छी लगेगी, बिल्कुल अलग लगोगी। ड्रेस में कुछ चेंजेस? हेलो, इस ड्रेस का डिजाइन बहुत ही यूनिक है। कौन से ब्रांड का ड्रेस है ये, हमें भी जानना है। ब्रांड उतनी खास नहीं है, मुझे तो ये ड्रेस पहनने का मन भी नहीं था, लेकिन जीजी ने इसे खास बना दिया। ये डिजाइन मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। अच्छा जीजी, क्या वो तुम्हारा खुद का ब्रांड है? हाँ सीसी, मेरा खुद का ब्रांड है, और आप सबको मेरे दुकान पर स्पेशल डिस्काउंट मिलेंगे। तुम सच में बहुत ही प्यारी हो। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, कुछ दिनों में मेरा बर्थडे है, तुम्हें वहाँ आना होगा। पार्टी में मेरे कुछ खास दोस्त आने वाले हैं, तुम्हें आना होगा। मिस गु। हाँ मिस रैन। तुम तो बड़ी आसानी से इतने कम समय के अंदर मिसेस चेन को इम्प्रेस कर दिया। तुम तो काफी शातिर निकली। आप जैसा समझ रही हैं, वैसी कोई बात नहीं है। मेरी तो बस लिंडा से पहली मुलाकात में बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अच्छा, गुड लक। Thank you.
तुम मेरी परछाई पर चढ़ गई। पता है कितनी तकलीफ हुई मुझे। मिस्टर येनसिचन, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो कैसी रही आपकी बातचीत? वो नहीं माने सीसी। कोई बात नहीं येनसिचन, मिसेस चेन और मैं बहुत अच्छी दोस्त हैं। हम दोबारा ट्राई करेंगे। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ठीक है ना? दिल छोटा मत करो। मुझे डायरेक्टर चैन का समर्थन मिल गया है। नीचे उतारो मुझे येनसिचन। आज इस शानदार प्रदर्शन के लिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मेरे पास एक अच्छी खबर है। और बताओ क्या खबर है। डायरेक्टर चैन हमें समर्थन कर रहे हैं और बोर्ड की तरफ से 2 वोट मिल चुके हैं, लेकिन जितना मुझे पता है डायरेक्टर येंग और बोर्ड के बाकी मेंबर्स आपसे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और मुझे नहीं लगता है कि हमें उनका समर्थन मिलेगा। और अच्छी खबर? वैसे कोई अच्छी खबर नहीं है, वो तो मैंने बस आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कहा था। अच्छा, लेकिन एक बात है और शायद ये काम करेगा। हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन है, ALEX। एलेक्स, सही कहा तुमने। उसके पास तो हमारी कंपनी के 10% शेयर्स है ना। अगर एलेक्स का समर्थन मिल जाए तो शायद काम बन सकता है। क्या अभी तक एलेक्स से रिप्लाई नहीं आया? यही सबसे बड़ी सिरदर्द की बात है। बोर्ड मेंबर्स आपके और ज्यादा खिलाफ है क्योंकि एलेक्स ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। मुझे किसी भी तरह एलेक्स का समर्थन पाना होगा, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। एलेक्स ने अपनी पत्नी की याद में मैरी मे बनाया था। शायद वो हमारे कहे हुए हर एक झूठ को माफ कर दे, लेकिन हमने जो अपने रिश्ते को लेकर झूठ कहा था, शायद उसके लिए वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। मैं मिलान जाकर पर्सनली उनसे माफी मांगूंगा, शायद वो हमें माफ कर दे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहकर मेरा इंतजार करोगी। जब ये गलती हम दोनों ने मिलकर की है तो इसे सुधारना भी हम दोनों को मिलकर पड़ेगा। वहाँ तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक। टिकट्स खरीद लो। तुमने प्लान करके रखा था? नहीं, लेकिन अगर हमारे बीच कभी कोई प्रॉब्लम होती तो मैं उसके लिए तैयार थी। तो इसका मतलब है कि? मेरा मतलब, अगर मान लो चलो कभी मुझे घर छोड़ के जाना पड़े तो सामान पैक करने में तो लेट हो जाएगी ना, इसलिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत चली जाऊँ। मैं हूँ ना काफी समझदार? समझदार, बहुत ही समझदार। इतनी समझदार कि तुम्हें एक इनाम मिलना चाहिए। ये गलत है, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़कर जाने की बात तुम अपने सपने में भी मत सोचना। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दो येनसिचन। आज तो तुम्हें माफी मिलने से रही। येनसिचन, हमने उनसे झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती की है। हमारी पहली बार मुलाकात मैरी मी की वजह से हुई थी, इसलिए मैरी मी की क्या वैल्यू है हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अगर एलेक्स हमें एक और मौका दे तो हम अपना सारा प्यार मैरी मी के डिजाइन्स में ढालने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वाओ, जब तुम एलेक्स से मिलोगे उसे अच्छे से मनाने की कोशिश करना। जरूर। यकीन मानो मेरा, देखना तुम सब ठीक हो जाएगा। अब ये क्यों?
एलेक्स को तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा पसंद नहीं आएगा। Excuse me, मुझे एलेक्स से मिलना है। सॉरी, आप एलेक्स से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। मुझे अभी एक अपॉइंटमेंट चाहिए। आप प्लीज मुझे अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट दीजिए, बहुत जरूरी काम है। वो स्टूडियो में नहीं है। कहाँ गए हैं वो? वो कहाँ है मैं आपको नहीं बता सकती। और वो वापस कब आएंगे? मुझे इस बारे में नहीं पता। आप यहाँ रुक कर उनका इंतजार कर सकते हैं। थैंक यू। शुक्रिया। बॉस, आपने जो स्केच हमें दी थी वो खो गई है सर। एक मिनट रुको। हेलो, क्या आपको मैं याद हूँ? हम पहले मिले हैं। श्योर, क्या मेरा काम हो जाएगा? थैंक यू। मैं वापस लौटते ही मैसेज करूंगी, ठीक है? हाँ, बाय बाय। बाय बाय। तुम्हारा काम हो गया। एलेक्स आज रात एक पार्टी में जाएंगे। फिर से तुम्हारा शुक्रिया अदा। स्पेशल तरीके से करना होगा। हम कहीं बाहर हैं। वो रेड पैकेट नहीं चाहिए? हम सही तो कर रहे हैं ना? क्या तुम्हें याद है हम पहली बार ऐसे ही एलेक्स की पार्टी में मिले थे? चलिए सर, रास्ता छोड़िए, दूर रहिए। वो कौन है? कोई बड़ी स्टार होगी शायद। इनका स्टाइल सच में यूनिक है। एलेक्स, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका इनविटेशन देख सकता हूँ? मैं उसका ध्यान भटकाती हूँ। हाँ, मैं देती हूँ। सॉरी सॉरी, मैंने वहाँ कुछ गिरा दिया है, प्लीज मेरी मदद कीजिएगा। मिस्टर एलेक्स, मिस्टर इन, तुम जा सकते हो। आप यहाँ? I'm very sorry. आइए मेरे साथ। थैंक यू। क्योंकि आपके पास कोई इनविटेशन नहीं है तो आपको जाना होगा। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा। कैसा है? अब ठीक है। आप दोनों का यहाँ स्वागत है। सर, मैडम, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपकी दुकान में क्या क्या मिल जाएगा? इस जगह का नाम है टाइम कैप्सूल। आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। आइए। इस टाइम कैप्सूल में आप अपने भविष्य के लिए एक अच्छा मैसेज लिख सकते हैं और उसे इस शीशे के बोतल में डालकर मैं आपके लिए इस बोतल को 10 साल तक संभाल कर रखूंगा और उसके बाद आप आकर इसे ले जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, दूसरों के टाइम कैप्सूल पढ़ना अलाउड नहीं है, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं। सॉरी, मुझे एक दे दीजिए। अरे ये सब क्या बकवास है जीजी, ये दुकान शायद 10 सालों तक यहीं रहेगी लेकिन उस वक्त कौन आएगा? मैं अपनी खुशियाँ खरीदने के लिए पैसे खर्च करती हूँ, इसमें हर्ज क्या है? देखो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ और हम यहाँ बिजनेस ट्रिप पर आए हैं। अगर तुम वक्त बर्बाद करोगी तो मैं तुम्हें जरूर रोकूंगा। मेरे पैर में पेट से दर्द हो रहा है और ये सब कुछ उस एलेक्स को प्लीज करने की वजह से हुआ है, और इतना करने के बाद मैं थोड़ी सी खुशी भी डिजर्व नहीं करती। हमें एक चाहिए। एक? दो। कौन सा कलर लेना चाहेंगी आप? ब्लू। ब्लू,
और आपका सर? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन सर? ग्रीन। ब्लू। ब्लू। ग्रीन। ग्रीन। ठीक है ब्लू। ब्लू। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। तुम्हारे लिए तो ये बकवास थी, फिर तुमने इसे करने का क्यों सोचा? जल्दी करो, फेयोंग आने वाला है। अगर हो गया हो तो हमें चलना चाहिए। ऑफ कोर्स मुझे करना है, मैं लिख रही हूँ ना। तुम्हें सतांग झांक नहीं कर सकती, बुरी बात है। इतना क्या लिख रहे हो, मेरी बुराई तो नहीं कर रहे? ठीक है, मैं भी करूंगी। एक्सक्यूज मी। ओह हेलो मैडम। मैंने टाइम कैप्सूल में एक मैसेज लिखा है, मैं वो ले जाना चाहती हूँ। जी जरूर, क्या मुझे आप अपना रिसिप्ट दिखा सकती हैं? हाँ जरूर, ये लीजिए। श्योर, नो प्रॉब्लम, जरा एक मिनट प्लीज। थैंक यू। ये लीजिए, आप चेक कर सकती हैं। थैंक यू। सचिन, तुमने इस पेपर में मेरे बारे में अनाप शनाप लिखकर बहुत बड़ी गलती कर दी।